आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई प्रशासन ने आपके ऊपर की है, क्या कारण रहे कि आप बिना परमिशन के वाहन रैली लेकर आ रहे थे? मेरे पास परमिशन थी, हमने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। समर्थक लोग अपने हिसाब से अपने वाहन लेके आ रहे थे, उनको तो रोकने का कोई अधिकार ही नहीं। क्या मानते हैं आप, कहीं ना कहीं प्रशासन ने किसी दबाव में या किसी प्रशासन दोनों पार्टियों के दबाव में है, दोनों पार्टी बौखला रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के उम्मीदवार बौखला गए। मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, मेरे साथ इतनी पब्लिक है और इतना जन सैलाब है, उससे बौखला गए और ये सब काम रही। लगभग कितने ट्रैक्टर आज वाहन रैली में शामिल हुए? ट्रैक्टर मैंने तो गिने नहीं, मेरे पास तो 10 ट्रैक्टर की परमिशन थी, मैं तो 10 ट्रैक्टर के साथ आ रहा था। लोग बाग अपने अपने हिसाब से मेरे पीछे पीछे चले आ रहे थे। इसको लेके आगे क्या योजना बनाई है आपकी? आगे तो मैं अपना काम करूंगा, चुनाव प्रचार करता ही रहूंगा। आपके समर्थकों में साफ तौर पर आक्रोश देखा जा रहा है आपकी गिरफ्तारी को लेकर, क्या समर्थकों से आप? बिल्कुल सही बात है कि मेरे साथ अन्याय किया, इसकी वजह से समर्थकों में आक्रोश तो हो गए। क्या मानते हैं प्रशासन ने कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में आके कार्रवाई? बिल्कुल प्रशासन राजनीतिक दबाव में कार्रवाई कर रहा है, अगर अन्यथा इसमें कल प्रधानमंत्री जी की रैली में हजारों बसें जाएगी, क्या उन सब बसों की परमिशन थोड़ी है? थोड़ी हो, किसी की परमिशन नहीं होती। राहुल जी की कार्यक्रम में जाएंगे लोग, उसकी परमिशन थोड़ी लेते, कोई परमिशन नहीं लेता। सिर्फ पेपर्स होना चाहिए, कोई भी जा सकता है अपने निजी वाहन से राहुल जी को सुनने, कोई भी जा सकता है अपने निजी वाहन से ओम सिंह को सुनने, कोई भी जा सकता है प्रधानमंत्री को सुनने अपनी गाड़ी से।